पढ़ा, मेरा नाम है कल्याण जी जाना, गरीबों के दादा साहेब फाल्के आयकर फिल्म ऑर्गेनाइजेशन के जी टॉकीज ओटीटी प्लेटफॉर्म के जी वाटर डी पी आई रोटी एंड कपड़ा बैंक कल्याण जी एना फाउंडेशन के फाउंडर एंड चेयरमैन। दोस्त मेरे पास चार मुद्दा है, देश के लिए, समाज के लिए और आपके। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, पिछले साल से इस साल बोलता है कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा आ रहा है केस का, 3 लाख से 4 लाख का आंकड़ा हर रोज, तो 10 दिन में 15 दिन में कितना आंकड़ा आया रहेगा, कम से कम 50 लाख। तो जस्ट पूरी इंडिया में 20 लाख बेड नहीं है, तो वो 50 लाख का आंकड़ा का बेड कहां मिलेगा? 20 लाख बेड नहीं है, और हम रोज ये कह रहे हैं जो हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर नहीं है तो इतने लाख जो लोग हर रोज आ रहे हैं, तो उसको आप कहां सुला रहे हो, रस्ते पे, या आपका जो हॉस्पिटल है उसकी छत पे? ये आंकड़ा बहुत गलत है, लोगों को डराना छोड़ दीजिए। मैं मानता हूं कोरोना है, कोरोना हो रहा है, रोज का रोज 3.5 लाख जो आंकड़ा आ रहा है उसको तुम कहां रख रहे हो? तुम रोज सुबह शाम ये कह रहे हो जो हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, जाओ यहां से, तो वो मरीज कहां है? और आपने कितना स्टेज इफो किया है मरीज को? आप लाखों मरीज को अगर आप जाके टेस्ट करोगे तो ये लाखों का आंकड़ा आएगा आपके पास। तो कितने लाख आप हर स्टेट में स्टेट कर रहे हो? एक दूसरा मुद्दा, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, इस सब दिल्ली के इन सभी ने जिस तरीके से हर गली में, हर मोहल्ला में, रस्ते पे कैमरा लगा हुआ है, अगर कोई सिग्नल तोड़ दे तो चालान भरता है, हर जगह पे कैमरा है। लेकिन जिस तरीके से हॉस्पिटल में आज मर रहा है, हॉस्पिटल के लोग और उसके जो मरीज के लोग, घर वाले, जिस तरीके से आवाज उठा रहा है, जो मेरे घर वाले को मार दिया जा रहा है, तो वहां कैमरा क्यों नहीं? माननीय नरेंद्र मोदी साहब से मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के, आपके हर जगह पे कैमरा है, लेकिन जहां पे कोविड सेंटर है, जहां पर ये आईसीयू में है, वहां पर कैमरा क्यों नहीं है? और वहां कैमरा होना चाहिए, और वहां से बाहर जो उनके मरीज के जो परिवार जो बैठा है उनका लाइव प्रशासन होना चाहिए। ये मेरा मांग है माननीय नरेंद्र मोदी जी से। आप हर जगह पे कैमरा लगाते हैं, लेकिन जिस जगह पे रोज मर रहा है और मरीज के परिवार आवाज उठा रहा है, जो हमारे घर के लोगों को मार दिया जा रहा है, ना पानी दे रहा है, ना खाना दे रहा है, ना उसको दवाई दे रहा है, बस से मर जा रहा है, ये तमाम जो डॉक्टर है, ये तमाम जो हॉस्पिटल है, जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं, उसके लाइसेंस को रद्द किया जाए और उनको जेल भेजा जाए, ये मांग है। तीसरा मांग, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, आप मन की बात बोलते हो, अच्छी बात है, मन की बात बोलना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे, मेरी मन की बात मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी मन की बात कह रहा हूँ। बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ बीजेपी के नगर सेवक, बीजेपी के MLA, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सरकार के मुख्यमंत्री, वो तमाम काम पे क्यों नहीं लग रहे, या जो और आप मन की बात क्यों नहीं बोल रहे, जो तमाम, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे और भी पार्टी का लोग हो, उन तमाम पार्टी के लोग भी जो नगर सेवक हैं, MP हैं, MLA हैं, वो काम पे क्यों नहीं लग रहे? उसके साथ में जो ex-MLA, ex-नगर सेवक, ex-MP, ex-मंत्री, ex-मुख्यमंत्री, वो तमाम लोग काम पे तुम लोग क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि यही पब्लिक, यही जनता आपको 5 साल आपको सर पे बैठाया था, भूल गया क्या? अगर आपको वोट नहीं देता यही जनता, तो आप 5 साल के नगर सेवक नहीं बन सकते थे, MP MLA नहीं बन सकते थे, आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। आज आप पद में नहीं हो, क्या आप काम करना छोड़ दोगे? मैं मानता हूं आज आप पद में नहीं हो,
लेकिन आप काम करना छोड़ दोगे क्या? मतलब 5 साल में मस्त कमाया, जेब भरा, बैंक भरा, और उसके बाद 5 साल के बाद जब आपको जीता नहीं जीत वो जीत पाया तो आपने काम छोड़ दिया होगा, मतलब पैसा कमाने के लिए आपने नेता बना ना, यही हुआ ना मैडम सर। और जिस तरीके से नगर सेवक MLA MP आज घर पे बैठा हुआ है, आज अगर एक नगर सेवक अपनी एरिया संभाल ले, अपनी एरिया, अगर एक MP अपना एरिया संभाल ले, एक MP और एक MLA अपना एरिया संभाल ले, एक मंत्री जिसको संविधान ने शपथ लेके उसे संविधान में बैठा जो मैं अपने राज्यों के नागरिक का हेल्प करेंगे, साथ देंगे, कहाँ है वो मंत्री? क्या शपथ ऐसे लिया क्या झूठ मूठ का? मंत्री क्यों बना? मतलब अपने पेट भरने के लिए, अपनी घर भरने के लिए? मैं मोदी जी से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़, आपके तमाम वो कार्यकर्ता, तमाम वो MLA MP नगर सेवक, तमाम मंत्री, तमाम स्टेट के मुख्यमंत्री वो काम पे लगे, और तमाम जो और जो पार्टी के तमाम जो पार्टी है हमारे देश में, पार्टी तो खोल देते हो तुम, मेरा ये पार्टी है, मेरा झंडा है, आज कहाँ गया तुम्हारा पार्टी, तुम्हारा झंडा, जिस वक्त इस हिंदुस्तान रो रहा है, हिंदुस्तान के तमाम आवाम रो रहा है, कहाँ गया तुम्हारा वो पार्टी, वो झंडा कहाँ गया, वो किसान दल के वो नेता जो किसान के लिए अपने दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना तुमने फैलाया, किसान लोग, किसान के नाम पे दिल्ली में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, लाखों लोग बिना मास्क का दिल्ली बॉर्डर में जिस तरीके से हंगामा किया, 6 महीना, मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ये किसान के हमला की वजह से ये कोरोना फैला है। कोरोना खत्म हो गया था, गांव गांव से किसान लोग आके वहां पर आंदोलन किया। मैं बोलना चाहता हूं वो किसान के जो अध्यक्ष है, कहां छुपा है तुम आज? आज कहां गया तुम्हारा वो झंडा? आज कहां गया तुम्हारा वो किसान आंदोलन के वो जोश? मैं जल जाएगा, कहां है तुम्हारा? ये तमाम जो लोग, चाहे आशादुल ओवैसी हो, अपने वो मुसलमान के लिए वो बोलते हैं, मैं चाहता हूं अगर आपके अंदर दम हो, आशादुल ओवैसी साहब है दम, तो तमाम जो मुसलमान भाई बहन है, आज रमजान है, करो अलाउंस साहब कि हिंदुस्तान में तमाम जो मुसलमान है उसको हम अनाज देंगे ईद के लिए, दोगे आप? खाली बोलता मेरा भाई है, मुसलमान भाई मेरा है, आज क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुआ वोट लेने के लिए? खाली मेरा भाईजान है। वो तमाम जो नेता का अगर मैं कपड़ा खोल दूं ना, साथ मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मेरे घर में पुलिस भेज देगा। बोलने तो बहुत कुछ है। ये तमाम नेता को संविधान में हम लोग बैठाते हैं, हम लोग वोट देके, लेकिन आज पल्ला झाड़ रहा है वो। आज बोलता है मुझे कोरोना हो गया, बोलता है मैं घर में हूं, कोरोना हो गया, बाहर से कैमरा से देखता है 15 लोग उसको मांगने के लिए आया, हेल्प करने के लिए आया, हेल्प लेने के लिए आया, सीधा बोल देता है मेरे सर को कोरोना हुआ, और इसी कोरोना की बहाना देके पल्ला झाड़ लेता है। आप बताइए, तमाम वो नेता, तमाम वो मंत्री, तमाम वो बिजनेसमैन, तमाम वो फिल्म स्टार 5 दिन में, मुख्यमंत्री हो कोई भी हो, 5 दिन में कोरोना से अच्छा होकर घर आ जाता है। आप लोग कौन सा दवाई खाते हो? बड़े बड़े मंत्री, नेता, फिल्म स्टार कौन सा दवाई खाते हो भाई? वो दवाई ये भी दे दो, गरीब लोग जो मर रहा है, जो तड़प रहा है, किसी की बेटी जा रहा है तो किसी की माँ जा रहा है तो किसी की बाप जा रहा है तो किसी की रिश्तेदार जा रहा है। अगर आप जो दवाई खाते हो, जो 5 दिन में 6 दिन में आप घर पे आ जाते हो कोरोना सही करके, तो वो दवाई कौन सा है एक बार मीडिया के सामने बोल दो। जो हम लोग ये दवाई लेते हैं हम अच्छा हो जाते हैं, तो आप भी ये दवाई बोल लीजिए, क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं बोलते हो? मतलब आम आदमी, आम जनता जो आपको जिताता है वो मर रहा है, और जीत के जब आप संविधान में आप बैठे हो, AC में घूम रहे हो, और आप कोरोना से मार के घर जा रहे हो। मेरा चौथा, मेरा लास्ट, मेरा मुद्दा, जिस तरीके से डॉक्टर लोगों ने अपनी हैवानगिरी दिखा दिया, कुछ डॉक्टर, सब डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर, जिस तरीके से डॉक्टर लोगों ने अपनी भगवान के रूप समझने वाले वो डॉक्टर,
अपने आप को दिखा दिया, भाई मैं भगवान का रूप नहीं हूं, मैं गिरा हुआ हूं। दोस्त, मैं हाथ जोड़ के हमारे तमाम जो संविधान में बैठे हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के, जो तमाम जो लोग मरा है मरीज इस कोरोना काल में, चाहे पिछले साल हो चाहे ये साल हो, वो तमाम जो डॉक्टर के जो पोल खुला हुआ है, तमाम जो हॉस्पिटल के जो पोल खुला है, तमाम वो वीडियो जो वायरल है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि तमाम डॉक्टर और तमाम वो हॉस्पिटल के ऊपर आरटीआई डाल के, और कितने लोग जो मरे हैं उनके ऊपर आरटीआई डाल के सीबीआई जांच हो। सबसे पहला आरटीआई डाला जाए, उसके बाद सीबीआई जांच हो, पानी के पानी दूध का दूध हो जाए। अगर वो सीबीआई जांच होगा तो मालूम पड़ जाएगा जो कितने लोग कोरोना से मरा और कितने लोगों को मार दिया गया इस कोरोना में, सब मालूम पड़ जाएगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के इस वीडियो के माध्यम से, एक देश का नागरिक हूं मैं, इसलिए मैं वीडियो के मैं बना रहा हूं, मुझे हक है बोलना, संविधान में ये लिखा है हर हिंदुस्तानी को बोलना हक है। तो मेरा ये आज का ये वीडियो वो तमाम संविधान में जो बैठे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री, चाहे मंत्री हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, उन सभी के लिए ये वीडियो है। जितने भी आज परिवार रो रहा है, क्योंकि जिसके परिवार से जो जाता है उसको मालूम पड़ता है दर्द क्या होता है, जिसके परिवार से वो ऊपर चला जाता है। आज एक परिवार का किसी का पापा चला गया तो कमाने वाला वही है, आज कौन कमाए खिलाएगा। मैं ये बात रखना चाहता हूं, तमाम संविधान मुझे बैठा हुआ उनके ऊपर है मेरा बात। बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें तुम्हारा कहा गया, खोखला बन गया क्या? ये मेरा आज का एक लास्ट मेरा मुद्दा था, जो आरटीआई डाल के उनके ऊपर सीबीआई जांच हो, ये मेरी मांग है। और जिस दिन जांच हो जाएगा मालूम पड़ जाएगा जो कितने लोगों को मार दिया गया और कितने लोग कोरोना से मरा है। मैं मानता कोरोना है, लेकिन ये आंकड़ा, ये मरने का आंकड़ा, मुझे लगता है कि कोरोना से मर रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने कोल खुला है, जो शमशान घाट में उतना नहीं है मरीज जितना मर के आ रहा है, ये पोल खुला है शमशान घाट में। अगर इतना हजार लोग मरता तो शमशान घाट में और भी लाइन लगता, अरे लाखों लोग। निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के निवेदन, इसको बस सीबीआई जांच हो, आरटीआई मारा जाए, और ये देश जो प्यारा देश है इसको प्यारा रखा जाए, राजनीति नहीं किया जाए। और जिस दिन ये पब्लिक रास्ते पे आ जाएगा उस दिन राजनीति नहीं चलेगा तुम लोग का, उस दिन पब्लिक राजनीति करेगा। जिस दिन ये पब्लिक नेताओं का घर घेराव करेगा, रस्ते पे आ जाएगा, उस दिन ना तुम्हारा वो नेतागिरी चलेगा, ना तुम्हारा वो दादागिरी चलेगा, कभी दादागिरी और नेतागिरी से पब्लिक का होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग इसको देखें और समझे मैं क्या बोला। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.